बादशाह से ये कहो कि मैं मलकुल मौत हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ और मैं बादशाह की रूह जो है वो मैं प्रवास करने के लिए आया हूँ। तो बादशाह ने ये कहा कि उससे ये कहो कि मेरी जगह किसी और की रूह ले ले, किसी और की जान ले ले। तो वो इतने में मलकुल मौत अंदर आ गया, बादशाह के पास अन पहुंचा। दोस्तों ये बात बड़ी काबिले गौर है। उसने कहा कि ऐ मलकुल मौत, तुम मेरी रूह को कब्ज करने के लिए आए हो, तो क्या मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं दोगे? कहा ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, तुम्हें क्या बात करनी है? कहा कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि मेरे सामने जो मार रखा हुआ है, ये मार किस काम का? दोस्तों अल्लाह ताला ने उस मार को बोलने की ताकत अता की, कुव्वत बोलने अता की। उस मार ने बादशाह से यह कहा कि अरे बादशाह, तुझे पता नहीं कि तू अपने माल में इतना मस्त और इतना गुम हो गया था कि जो अच्छे लोग, जो नेक लोग तुझे मिलने के लिए आते थे, तू उन्हें कहता था कि बस तुम फौरी घर यहां से बाहर निकल जाओ, और जिनके पास माल होता था उन लोगों की तू ताजीम करता था, उनकी तू तकरीम करता था। ये माल जो है वो बादशाह से गुफ्तगू कर रहा है, और फिर माल ये कहता है कि हाँ हाँ, तूने अपने जिस्म को इस अंदाज से लताफतें दी, इतनी लज्जतें दी कि ख्वाहिशात नफ्स में तू इतना गुम हो गया था, तू पत्नी कहाँ कहाँ जाया करता था, तुझे तू बिल्कुल अल्लाह को भूल गया था। उसने कहा हाँ हाँ, वाकई मैं रब को भूल गया था। तो दोस्तों माल ने यह कहा कि जब तुझे मौके मिले थे कि तू मुझे अच्छे मकान पे, तू मुझे तो खैरात कर दे, तू नेकियां कर, मगर तूने मुझे भुला दिया, लिहाजा आज कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की। तो मेरे दोस्तों बात यह है कि अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है माल से, वनफसी मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात, के इस तरह कि आज इस महफिल में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग दूर दूर से चल के आए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिसका ये कंसेप्ट है कि वो अपने घर से चला है इस अंदाज से, कि ये नहीं कि वो जवेद न्याजी साहब को या जावेद इकबाल साहब चीमा साहब को या डॉक्टर इमरान साहब को या अशफाक इनको राजी करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग इस अंदाज से मस्जिद में आए हैं, ये तसव्वुर करके आए हैं, तो मेरे दोस्तों ये सारी नेक रायगा आ जाएगी। अगर दिल के अंदर आपने आपकी ये मुराद थी, ये तमन्ना थी कि हम जिस अंदाज से मस्जिद में आए हैं, हमारा मकसद ये था कि इनकी जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके रूह के इशारे सलाम की हम शिरकत के लिए जा रहे हैं, वहां हम जाकर कुरान की तिलावत करेंगे, काय पाक की तिलावत सुनेंगे, तो दोस्तों आपका हर लम्हा, आपके हर कदम जो है वो नेकी में शामिल होंगे। यही नहीं बल्कि जब आप लोग अपने घरों को वापस लौटेंगे, तो दोस्तों इस जमीन का जर्रा जर्रा आपके कदमों को सलाम करेगा, इसलिए कि आपका जो आने का जो अंदाज था वो एक नेकी का अंदाज था, उस चीज को आप अपने लेकर अल्लाह के घर में आप तशरीफ लाए थे। तो अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है वनफ से मिनल अमवाल वल अनफुस व समरात व बशरिस साबिरीन, के लफ्ज साबिर और फिर लफ्ज बशर, इसे खुशखबरी कहते हैं इस मकाम पर, कि एक बंदा सबर करे उसको विशाल में खुशखबरी की नेकी की। ये क्या, क्योंकि मैंने कहा कि वाला ना बोलो ना, अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है। और दोस्तों याद रखिए कि जिंदगी में बंदा जितनी भी नेकियां करता है उनमें आप जानते हैं कि अरकान शाम पांच है, कलमा आपने पढ़ लिया, नमाज, रोजा, हज और जकात, इन तमाम अरकान की नेकियों के जो नेकियां मुख्तस है कि जिसने जितनी नेकियां की उनको कितना समान मिलेगा। मगर याद रखिए अगर कोई शख्स दुनिया से चला जाता है, फौत हो जाता है, किसी का बाप फौत हो गया, किसी की माँ फौत हो गई, किसी का भाई फौत हो गया, और वो उस पर सब्र करता है, इसी तरह दुनिया के अंदर आपने कोई भी ऐसा काम किया, आपने आपके साथ कोई ऐसा बड़ा हादसा पेश आ गया और उस हादसे में आपसे सब्र नहीं होता, कुरान ये कहता है कि सब्र करो। कुरान सब्र की तलकीन करता है, हर नेकी का सवाब मुकर्रर है। मगर दोस्तों इन्नमा बगैर हिसाब, ये नेकी जो है सब्र की नेकी जो है ये ऐसी नेकी है, इस नेकी के लिए कुरान ने ये कह दिया कि इसका तो बगैर हिसाब इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जो बंदा सब्र करता है इसका कोई हिसाब नहीं है, कि हर नेकी जो है उसकी एक समाज है मुख्तस हो चुका है, मगर इस नेकी का जो है कोई नहीं है। यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात करूंगा
कि जब मुझे खुशी हुई इस बात की कि डॉक्टर साहब ने जो अभी ऐलान किया और जितने भी ये लोग फौत हुए तकरीबन ये 2-3 माह के अंदर, और फिर उनके लिए इज्तमाही तौर पर इन लोगों ने ये एहतमाम किया, और ये जज्बा जो कि एक बड़ी खुशी की बात है। और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि ये जापान में ये शायद ये एक पहला केस है कि जापान में कहीं भी किसी मकाम पर के 2-3 महीने के अंदर अगर अमवात हुई हूँ और इतना बड़ा इज्तमा हुआ हो और लोगों ने इज्तमाही तौर पर जो है ऐसा प्रोग्राम इनका किया हो, मैंने महसूस किया कि शायद कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। लेकिन आज की इस सारे सवाब की महफिल में मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अल्लाह ना करे बल्कि ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जापान में बल्कि पूरी कायनात में हर शख्स को महफूज रखे, हर किस्म के मसायब तकलीफ अमवात से महफूज रखे। मगर कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, मरना हर शख्स ने है। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ जापान के अंदर इज्तमाही तौर पर चले महीना नहीं, 3 माह नहीं, 6 महीने, कम अज कम 6 महीनों में हमें चाहिए कि हम लोगों के जो खानदान जो लोग फौत हो गए हैं उनमें माँ बाप बहन भाई ये गाड़ियां बता रहे हैं कि रास्ता रोक रही हैं, प्लीज मालिकान गाड़ियों के पास पहुंच जाए। ये जो बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं अच्छा ये करोला अपना काबा गोची बैनशीना काबा रोड स्टार, ये 3 गाड़ियां हैं जो कि रोड पर हैं। अपना ये गाड़ी है कि जिनकी है वहां से जाके ना दीजिएगा कि हम तमाम भाई आज ये बैठ के हम फैसला करें कि देखें इंसान की जो जिंदगी का मकसद है कि आज अगर हम ये सारे सलाम कर रहे हैं हमें नहीं मानना है, लिहाजा ये बात हमें इस बात पर मुतकाजी करती है कि चाहिए कि जिस तरह आज इस महफिल का इनकार हुआ है हमें चाहिए कि हम सब अपने खानदान के लिए एक ऐसा इज्तमाही प्रोग्राम करें कि जहां पर सब लोग वहां मौजूद हों और इज्तमाही तौर पर हमारे खानदान जो लोग फौत हुए हैं, बाप दादा दादी नाना नानी जो भी फौत हो गए हैं उनके इशारे साहब के हम प्रोग्राम से इनकार करें। क्या मेरी आप इस बात की इतफा करते हैं? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعليه وسلم وسلم عليه.
या रब العالمین जो कुछ भी हमने अव्वल से लेकर आखिर तक तेरे दरबार गौहर में पढ़ा और सुना इसका सवाब हुजूर मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गौहर में पहुँचाकर अलवाज मुतहरात 1,24,000 पैगंबर सहाबा किराम ताबईन तबे ताबईन और औलिया किराम की अरवाह को पहुँचाकर खुसूसन इसका सवाब फैसल नियाजी मरहूम बिरादर जावेद नियाजी साहब चौधरी मोहम्मद शरीफ इमाम मरहूम वाहिद बुजुर्गवार जनाब चौधरी जावेद इकबाल चीमा साहब इब्राहिम साहब मरहूम वालिद हुसैन खान साहब मियाँ आफ्ताब खान मरहूम वालिदा बुजुर्गवार जनाब नूर मोहम्मद जामेदानी सफीर पाकिस्तान साहब वालिदा बुजुर्गवार मलिक जान मोहम्मद साहब गुलाम मुर्तजा भट्ट रिहायशी इमराती किंग जोजा गुलाम रसाली भट्ट डॉक्टर जाहिदा इकबाल मरहूमा वालिद बुजुर्गवार डॉक्टर इमाम हक साहब और खुसूसन जो इंतजामिया के जो है जो अकारिब हैं जितने भी दोस्त तशरीफ लाए हैं हम सब के खानदान जितने भी लोग दुनिया से चले गए मौला उन तमाम मरहूमीन और मरहूमात के लिए सारे सवाब करते हैं या रब्बुल आलमीन तमाम मरहूमीन और मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा इलाही सबके सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा इलाही तमाम की कबूर को जन्नत के बाबू में से अजीम बाग बना दे इलाही सबको नकीरैन के सवालात से महफूज फरमा इलाही सबकी कबूर को मुनव्वर फरमा या इलाहुल आलमीन अज़ाब कब्र से महफूज फरमा अज़ाब हश्र से महफूज फरमा इलाही तमाम मरहूमीन और मरहूमात को हुज़ूर मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत कुबा नसीब फरमा इलाही तमाम मरहूमीन के जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं मौला सबको सब्र और तहम्मुल की तौफीक अता फरमा इलाही सबको इस सदमा के बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा जितने भी दोस्त बैठे हैं मौला हम सबको इस सदमा के बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा या इलाहुल आलमीन हम सबको आने वाले मसाइब और तकालीफ से महफूज फरमा हमारे घरों में रहमतें और बरकतें अता फरमा इलाही जितने भी दोस्त दूर दूर से तशरीफ लाए हैं या इलाहुल आलमीन सब पर अपनी रहमतें अता फरमा सबके लिए कदम कदम पर अज्र और बरकतें अता फरमा सबके घरों में रहमतें बरकतें अता फरमा या इलाहुल आलमीन सबको सबके औलाद को अपने वालदैन का तकद्दस और एहतराम करने की तौफीक अता फरमा या इलाहुल आलमीन हमारे हमें अपनी औलाद को कलाम पाक की तालीम से रोशनास होने की तौफीक अता फरमा या इलाहुल आलमीन हमें नमाज पंज गाना अदा करने की तौफीक अता फरमा इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा जो दोस्त मकरूज है मौला उन्हें कर्ज से रिहाई अता फरमा और जो दोस्त इलाही इस महफिल में अगर कोई मरीज है तो यादा जिस बंदे की दुआ कबूल कर रहा है मौला उस बंदे की दुआ की बरकत से जो मरीज है उसको शिफाए कामल अता फरमा इलाही इन नौजवानों की जिंदगी में बरकतें अता फरमा हर किस्म की बलियात से महफूज फरमा या इलाहुल आलमीन पूरे आलम इस्लाम को इत्तेहाद की तौफीक अता फरमा इलाही पूरी इस दुनिया को अमन का गहवारा बना दे अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदा रहमतुल लिल मुमिनीन इलाही हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसका काम अता फरमा इलाही हमारे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे या इलाहुल आलमीन हम सबको एक कर दे मौला हम सबको नेक कर दे इलाही हमें हक कहने की तौफीक अता फरमा हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमा या इलाहुल आलमीन हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा इलाही हमसे गीबत छीन ले हमसे झूठ छीन ले हमसे वादा खिलाफी छीन ले या इलाहुल आलमीन हमें सिर के दिल से दीन के जो तमाम उसूल हैं उन पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर या अल्लाह हम जितने भी दोस्त यहाँ जापान में रहते हैं कोई ऐसे भाई भी है जो ज्यादा मुश्किल का शिकार है या अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान फरमा या इलाहुल आलमीन हम सबको आपस में मोहब्बत अता फरमा अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर इलाही जो कुछ भी ये सारे साहब के लिए पेश किया गया है मौला
اسے اپنے دربار گوہر میں قبول کر لے, سب کو اپنے دربار گوہر میں مزدور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحاب اجمعین.